नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं सप्तम वर्ग के छात्रों को संस्कृत में सप्तम पाठ भगवान दिनकर से प्रश्नोत्तर कार्य कराने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, दिनकर केशाम केशाम कारणम इति उत्तरम। दिनकर दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतूनाम वर्षानाम च कारणम इति। क, यदि दिनकर न भवेत तरही किं भवेत उत्तरम। यदि दिनकर न भवेत तदा दिनमेव न भवेत। ग, कुत्र दिनकरस्य दर्शनम दुर्लभम इति उत्तरम। ध्रुव प्रेषयो दिनकरस्य दर्शनम दुर्लभम। घ, कस्य कृपया पादपानां जीवनम भवति उत्तरम। दिनकरस्य कृपया पादपानां जीवनम भवति। अन, वर्षा कदा भवन्ति वर्षाधिष्ट किं किं जायते उत्तरम। ग्रीष्मकालस्य आततेन समुद्राणां नदीनां सरसां च पला भूत्वा उद्वास्तितम् आकाशे गच्छति ततश्च मेघा जायन्ते एभिः मेघैरेव वर्षा भवन्ति। वर्षाधिरेव विविधानि अन्नानि शाकाः पादपाः च भवन्ति। च, वयम् एतं भगवान् इति किमर्थं कथयामः उत्तरम्। भगवान् दिनकर हि अस्मभ्यं जीवनं दत्त्वा महदुपकरोति अतएव वयम् एतं भगवान् इति कथयामः। रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क, अस्य विश्वस्य जनकः भास्करः अस्ति। ख, अस्योदये तमः नश्यति। ग, दिना भावे तु वयं सर्वे अन्धा भवेम। घ, फलानाम् अन्नानां तु पत्राभावः एव तिष्ठति। अमोभिः मेघैरेव वर्षा भवन्ति। च, यदा दिनकरः दक्षिणायुः भवति तदा प्रकाशः मन्दः जायते। प्रश्न संख्या 3, सम्यक् कथने सही इति चिह्नं नियोजयत्। सही कथन पर सही का चिह्न लगाएं। क, अस्य विश्वस्य प्रकाशकः दिनकरः अस्ति सही। ख, दिनानां रात्रीणां ऋतूनां च जनकः चन्द्रः अस्ति गलत। ग, चन्द्रोदये तमः नश्यति गलत। घ, दिना भावे तु वयं सर्वे अन्धा भवेम सही। न, यदि दिनकरः न भवेत् तर्हि सर्वत्र अन्धकारः एव भवेत् सही। च, सूर्यः भास्करः मार्तण्डः इत्यादयः अस्य पर्यायवाची शब्दाः सन्ति सही। प्रश्न संख्या 4, सन्धिनिच्छेदं कुरु। सन्धिनिच्छेद करें। एकमेव उत्तरम् एकं दोरेव उत्तरम्। दिनमेव दिनं दोरेव। चोत्पत्तिरेव चोदोरुत्पत्तिरेव। वर्षाभिरेव वर्षाभिजोरेव। तस्मिन्नस्ते तस्मिन्योरस्ते। दिनाभावे दिनयोरभावे। चारों छात्रों और मेरे द्वारा सप्तम वर्ग के छात्रों को संस्कृत में सप्तम पाठ भगवान दिनकर से प्रश्नोत्तर का कराया गया। फिर अगले क्लास में मेरे द्वारा आगे का कार्यक्रम कराया जाएगा। धन्यवाद।